नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। कनौजिया ब्लॉग में आपका स्वागत है। और बहुत से लोगों का दोस्तों जैसे कमेंट आ रहा था कि हमारे पास में अकामा नहीं है और कपिल के घर से भागे हुए हैं, तो हम लोग क्या करें, कैसे करें। अभी आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि अभी क्या करना है आप लोगों को, कि जैसे आपके पास में पासपोर्ट नहीं है तो पहले तो आप चले जाइए सीधा एम्बेसी चले जाइए, वहाँ से अपना वाइट पासपोर्ट बनवाइए। वाइट पासपोर्ट बनवाने के बाद में आपको उसके बाद में सीधा जवाजात जाना है। भाई लोगों, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जिन लोगों का 9 अप्रैल से पहले वाइट पासपोर्ट बना है उनको सीआईडी ऑफिस जाना ही पड़ेगा। जी हाँ, उनको सीआईडी ऑफिस जाना पड़ेगा, अभी ये लेटेस्ट खबर है। और जिन लोगों के 9 अप्रैल के बाद के पासपोर्ट बने हुए हैं उनको जवाजात से ही काम हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, जिनके पहले के पासपोर्ट बने हुए हैं तो उनको एम्बेसी जाना, एम्बेसी से सीआईडी ऑफिस, सीआईडी ऑफिस के बाद में जवाजात ऑफिस जाना पड़ेगा। और दूसरी, जिन लोगों के वाइट पासपोर्ट पे स्टैम्प लग चुका है, जवाजात से स्टैम्प लग चुका है, सीआईडी ऑफिस से काम हो चुका है, अगर उन्होंने टिकट करवा ली है तो अपना टिकट का भी आप लोग टाइमिंग का कन्फर्म करते रहिएगा, क्योंकि अभी ईरान और इसराइल का थोड़ा टेंशन चल रहा है। तो उस टेंशन के चलते बहुत सारी फ़्लाइटों का रूट चेंज किया गया है, बहुत सारी फ़्लाइटें जो है सस्पेंड हो गई हैं, तो उनका टाइमिंग आगे पीछे हो सकता है, एक दिन हो जाए या 4-5 घंटे हो जाए। तो आप जो है कि उसके वहाँ पे अपने उनके जो कॉन्टेक्ट नंबर है वहाँ पे कॉल कर करके या अपने ट्रेवल एजेंट से इस चीज़ का भी पता कर लीजिएगा कि हमारी फ़्लाइट का टाइमिंग चेंज तो नहीं हुआ है, क्योंकि ऑलमोस्ट ज़्यादातर फ़्लाइटें ऐसी हैं जो इन देशों के ऊपर से गुजरती हैं। तो जो ईरान ने ड्रोन से अटैक किया है तो हो सकता है जवाबी हमला इधर उधर से भी हो तो फ़्लाइटों को नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए फ़्लाइटों का रूट चेंज किया गया है, इन देशों के ऊपर से फ़्लाइटें नहीं जाएंगी, डाइवर्ट हो जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पे भी सुरक्षा कारणों से इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि ताकि किसी को दिक्कत ना हो। यहाँ की गवर्नमेंट भी अलर्ट हो गई है, तो अभी आप लोग इसी चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अपना टिकट करवा लिया है तो आप लोग पूरा अपना टाइमिंग का जांच पड़ताल करके तभी जाइएगा, क्योंकि अभी हर फ्लाइट का रूट डाइवर्ट किया गया है, हो सकता है फ़्लाइटें आपकी डिले हो जाएं। तो आप लोग सावधानी बरतिएगा कि एयरपोर्ट पे चले गए फिर जाके वापस आना पड़े, तो इससे अच्छा पहले आप लोग अपने ट्रेवल एजेंट से कन्फर्म करके उसके बाद में ही जाइएगा। और सभी भाई लोग अपना जितना अभी, क्योंकि टाइम नहीं बचा है, तो आप लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है अपने पासपोर्ट बनवाएं, अपने अकामे का जो काम है वो ख़त्म करवा लें, तो ताकि आप लोग चेकिंग में परेशानियों से बच सकें। जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है अपना आप काम करवाइए। आज की जानकारी बस इतनी थी, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, बहुत से लोगों का कमेंट ये आता है कि भाई हम कुवैती के घर से भागे हुए हैं, कफिल के घर से भागे हुए हैं। तो भाई लोग, आप भागे हुए हो तो मैं आपको रास्ता ही बता सकता हूँ, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप लोग जाइए एम्बेसी, जाइए एम्बेसी से अपने डॉक्यूमेंट बनवाइए, रेडी कराइए, और आप लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है यहाँ से निकलने की कोशिश कीजिए। और प्लीज़ कृपया करके, आप लोग वीडियो भाई लोग स्किप करके देखते हो इसलिए आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं मिल सकती है, मिल पाती है, तो आप लोग वीडियो स्किप मत कीजिए, करा कीजिए और पूरा वीडियो देखा कीजिए। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए नई नई जानकारी लेकर के आ सकूँ। और मैं हमेशा पीली ड्रेस में ही क्यों बनाता हूँ, पीली टी शर्ट में ही वीडियो क्यों बनाता हूँ, वो एक लोगों ने कमेंट किया था कि आपके, तो भाई लोग ये मेरा जो है ड्यूटी का ड्रेस है। अब क्या करें, हम लोग डिलीवरी का काम करते हैं तो उसके साथ में थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए भी जो मनोरंजन आता है वो मैं, या कोई वैसा होता है तो मैं मतलब वीडियो बना के आप लोगों के लिए डाल देता हूँ। अभी मैं ड्यूटी निकलने की तैयारी कर रहा हूँ अभी, क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट ओपन हो जाएगा तो हमको डिलीवरी पर भी जाना है खाना लेकर के इधर उधर। और आप लोग वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए नई नई जानकारी लेकर के आ सकूं। और आप जिन लोगों ने टिकट करवा ली है वो लोग कृपया करके अपने अपने ट्रेवल एजेंट से बात करके फ़्लाइट का शेड्यूल का टाइम ज़रूर चेक करा लें।